हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। अभी हम हैं लालबाग में। लालबाग से जा रहे हैं गणपति देखने के लिए, कोई मूर्ति रेडी हुई है या नहीं। पर मेरे कॉन्टेक्ट से मुझे पता चला कि 21 तारीख को आगमन है और 23 तारीख को है। 21 तारीख को खेतवाड़ी का कुछ दूसरी खेतवाड़ी का गणपति, उसका आगमन है। तो अभी उधर मैं गया था वर्कशॉप में, तो वहाँ का थोड़ा बहुत कांटेक्ट है मेरे सर, तो वो लोग बोल रहे कि अभी तक रेडी है नहीं गणपति, तो जब तक कलर नहीं होता या फिर मूर्ति रेडी नहीं होती तब तक शूट करना गलत बात है। आप भी इसको फॉलो करें, क्योंकि ज़्यादा करके हमारे जैसे लोग जो कैमरा और मोबाइल वोबाइल लेकर रेडी रहते हैं कि गणपति का शूट करें वगैरह वगैरह, पर ये सब गलत बात है कि जब तक गणपति का ड्रेसअप नहीं होता तो उसके पहले शूट करना बहुत गलत बात है, और शूट करकर अपलोड करना वो भी गलत बात है। और मेन चीज़ कि हम लोग पाद्य पूजन करते हैं वो भी गलत बात है, क्योंकि हम कभी अपने घर में गणपति है, अभी मैं हिंदू हूँ तो मेरे घर पे गणपति है, कभी उसको कुछ हो गया, गिर गया या फिर कुछ टूट फूट गया, तो हम लोग जाके पहले उसको बहा देते हैं, पानी में बहा देते हैं, छोड़ देते हैं उनको। हमारे इसमें हमारी हम जो बिलोंग करते हैं, हम लोग कोकण से बिलोंग करते हैं, तो मेन सीन क्या है कि इसमें कभी भी हम लोग आदि मूर्ति कभी नहीं पूछते। तो फिलहाल अभी ये गणपति को फेमस करने के चक्कर में लोग कुछ भी करते हैं। उन लोग को समझ में नहीं आता कि मैंने एक बार देखा भी था परेल के वर्कशॉप में कि सिर्फ पाद्य पूजन हुआ था, पैर की पूजा की थी और वही ट्रॉली उन्होंने वैसे ही ला कर छोड़ दी थी, और वो लास्ट तक वैसा ही था, पैर का पूरा गणपति बना ही नहीं था। ये हम इतने हिंदू या फिर आप इतने महाराष्ट्र लोग हो के भी इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकते, वही पता नहीं चल रहा मुझे। हम लोग कोकण से बिलोंग करते हैं, तो कोकण में ये सब अगर करेंगे ना तो पूरा घर चले जाएगा, उसमें पूरा घर चले जाएगा। ये गलत बात है, भगवान से मजाक मस्ती और ये ऐसा फेमस करने के चक्कर में लोग कुछ भी आजकल ट्रेंड निकाल रहे हैं। अभी देखता हूँ मैं यहाँ पे कुछ रेडी हुआ तो अंदर की वीडियो नहीं लूँगा, मैं सिर्फ जाके देख कर आ जाऊँगा। प्लीज़ फ्रेंड्स, आप भी उतना ध्यान रखें कि ऐसे मतलब जब तक गणपति को ड्रेसअप नहीं करता तब तक उनके फ़ोटो वायरल मत कीजिए या फिर निकालिए ही मत, ये बहुत बड़ी गलत बात है।